बरसेगा और कब तुम्हारे खेतों को पानी मिलेगा। सर्वेश्वर दया सक्सेना के नौवीं के नए सिलेबस में कविता आती है, मेघ आए बड़े बंठन के सवार के, जैसे पाहुने का स्वागत होता है उस तरह मेघ का स्वागत हो रहा है। पाहुना को कोई भगाता नहीं है, तो नकारात्मकता और सकारात्मकता के भाव भी बड़े सहजता से हम दोनों में देख सकते हैं। प्राचार्य जी ने बताया कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि मैं अच्छा विद्यार्थी इसलिए बन पाया क्योंकि मैंने अपनी शिक्षा मातृभाषा में ग्रहण की थी। तो इंजीनियरिंग मातृभाषा में क्यों नहीं हो सकती है, डॉक्टरी मातृभाषा में क्यों नहीं हो सकती है। हम सहजता से उन बातों को समझ सकते हैं, स्पेलिंग को याद करने के लिए हमारे दिमाग को जोर नहीं देना पड़ेगा। विज्ञान कंप्यूटर का युग है, इस कंप्यूटर के समय में टॉकिंग कंप्यूटर की जब बात आई तो उसमें जो सर्वथा उपयुक्त भाषा पाई गई है वो संस्कृत है। अंग्रेजी में NO को नो पढ़ेंगे, KNOW को भी नो पढ़ेंगे। अगर कंप्यूटर से बोला गया आई नो दिस तो हमें कहीं आई KNOW दिस, वो पढ़ेगा आई नो दिस। कंप्यूटर के पास कोई अपना विवेक नहीं होता है, हमने जो बोला वो ग्रहण किया, स्पेलिंग मिस्टेक होती है इसलिए वो वही ग्रहण करेगा। संस्कृत ऐसी भाषा है उसको सीधा उल्टा जैसा भी पढ़ो उसका अर्थ बराबर निकलता है। तो सर्वथा उपयुक्त भाषा जो है वो संस्कृत है। तो मातृभाषा में शिक्षा और मातृभूमि दोनों का जुड़ाव एक साथ हो, बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा मिले ये उसका जन्मसिद्ध अधिकार है और उसका अधिकार हमें किसी को छीनना नहीं है। उसकी शिक्षा उसके भाषा में मिले ये माताओं बहनों को भी सोचना पड़ेगा। मुझे ऐसे लगता है विद्या भारती के विद्यालयों में जो छोटे बच्चे पढ़ते हैं वो माताओं के प्रयास से पढ़ते हैं। प्रियंका का दर्द मैं समझ सकती हूँ, छोटे बच्चे घर में रहते हैं तो इस कोरोना काल ने हमें हमारे बच्चों को पूरे पूरे 2 साल पीछे कर दिया। जितना कुछ बनता था वो सारा कुछ दिमाग से इरेज हो गया है, सिर्फ खेल और मस्ती बची है। बच्चे भी बोर हो गए अब क्या करेंगे घर में, लेकिन समस्या अभी है कोरोना की फिर से कम बैक हो रहा है, लौट रहा है, बराबर संख्या बढ़ रही है, नई गाइडलाइन फिर से आ रही है, कोई मास्क पहनना है। छोटे बच्चों का रिस्क विद्यालय उठा नहीं सकता है, गाइडलाइन आएगी तो हम भी चाहेंगे कि छोटे बच्चे विद्यालय में आए, फिर विद्यालय की रौनक वापस आए, क्योंकि रौनक उन्हीं छोटे बच्चों से विद्यालय की है। और मातृशक्तियों से एक आग्रह है कि विद्यालय आते रहे, दीदियों से आचार्यों से संपर्क करें कि मेरा बच्चा कितनी प्रगति कर रहा है, कितना नीचे जा रहा है। अगर हम संपर्क नहीं करते हैं तो हमारा बच्चा क्या कर रहा है हमको ये भी पता नहीं चलता है। माँ का दायित्व सबसे गुरुतर है, इसीलिए मातृ सम्मेलन होते हैं, मित्र सम्मेलन नहीं होते हैं। तो माताओं के लिए 2 शब्द कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। जो सृष्टा की आधारशिला जीवन अंकुर की प्यारी है, जिसका आचल पीयूष रोद्र जो जननी है महतारी है। नतमस्तक ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े जिसके तप के समूह, जिसकी चुनौतियों से यमकी संहार शक्ति भी हारी है। जिसकी ऊर्जा से अनुप्राणित नर जल थल क्या नभ तक जीता, वही प्रेरणा स्रोत हरियो की शक्ति स्वरूप बनाई है।